गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था भाषा और व्याकरण। इसी का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि भाषा क्या चीज़ होती है, हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन होती है। और भाषा के बारे में आपको ये बताया गया है कि जब व्यक्ति को धीरे धीरे किसी व्यक्ति चीज़ों का, किसी वस्तुओं का ज्ञान हुआ, तो वह जब उसको अपने संकेतों द्वारा उसको सही तरीके से नहीं समझा सका था, तो उसने किसका प्रयोग किया, भाषा का किया। भाषा के मैंने आपको बताया है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद में हम आए थे लिपि। लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने का ढंग। भाषा को लिखने का ढंग हमारा क्या कहलाता है, लिपि। लिपि के अंदर क्या होता है, कुछ चिन्ह दिए होते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी भाषा को लिख सकते हैं। जैसे हमारी है हिंदी की देवनागरी भाषा है, संस्कृत की हमारी देवनागरी भाषा है, गुजराती की देवनागरी भाषा है, तो सब अपनी अपनी भाषाओं की सबकी अलग अलग लिपि होती है, और उसी लिपि के अंतर्गत सभी लिखते हैं और अपनी भाषा को सही तरीके से समझते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसमें हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और पढ़ी लिखी जाती है। अब हमारे भारत की वैसे तो राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसको राजभाषा की मान्यता मिली गई है। क्यों, क्योंकि राजभाषा के अंतर्गत का मतलब हुआ कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जितने भी हमारे कार्यालय के राज के कार्य होते हैं, राज्य के कार्य होते हैं, वो हमारे सब किस में होते हैं, हिंदी भाषा में होते हैं। इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और इसी कारण हमारे भारत देश में क्या है, हम प्रत्येक साल 14 सितंबर को हम हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके साथ साथ है हिंदी को मान्यता देने की बात चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिंदी हमारे यहाँ पे 70% लोग बोलते हैं, इसलिए हमने इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें व्याकरण का सही ज्ञान होगा, हमें हिंदी व्याकरण का सही ज्ञान होगा, तो हम प्रत्येक भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं कि कौन सी जगह कौन सा शब्द लगता है, कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है, उसकी पहचान हमें सरल तरीके से हो जाती है। तो व्याकरण, अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। कम जो आज हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जैसे है स्त्रीलिंग का शब्द होता है, तो उसके साथ क्रिया भी किसकी आती है, स्त्रीलिंग की आती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, आपको अशुद्ध शब्द मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, इसमें गाय दूध देता है। अब ये हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें सही क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। गाय हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमारी क्रिया भी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। अगर हम इस शब्द, ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो हमें खुद को ऐसे अटपटा अजीब सा लगता है कि हम शायद भाषा को सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं। सेकंड वाक्य जैसे आपको दे रखा है, एक लड़का रोहित है। एक लड़का रोहित है, अब ये वाक्य भी हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि रोहित एक लड़का है, ये हमारा वाक्य शुद्ध कहलाता है। अगर हम इसको बोलते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है कि या तो हमने सही जगह पे शब्द नहीं लगाए हैं, या हमने शब्दों को गलत बोला है। इसलिए व्याकरण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर हमें व्याकरण का शुद्ध ज्ञान होगा, तो हम उस वाक्य को सही तरीके से बोल सकते हैं। वैसे ही हमारे वाक्य व्याकरण के चार भेद बताए गए, वैसे तो आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार में क्या होता है, सबसे पहले हमें वर्णों का सही ज्ञान होना चाहिए। वर्णों का सही ज्ञान, जो हमारी देवनागरी लिपि में वर्ण बताए गए हैं, जैसे ए आ वर्णमाला बताई गई है, अगर हमें उसे का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा,
तो इससे हमारे सारे वाक्य गलत होते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें कौन सा शब्द कैसे लिखना है, तो उस शब्द का अर्थ भी गलत हो जाता है। उसके बाद में है वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार। हमें शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द हमें कहाँ पे लगाना है, कि संज्ञा पहले आएगी या क्रिया पहले आएगी। अगर हम क्रिया को पहले लगा देते हैं, जैसे देती गाय दूध है, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे है दूध देती गाय, तो भी हमें अजीब सा लगता है। तो इससे हमें शब्दों का सही ज्ञान होना जरूरी होता है उस वाक्य को सही बनाने के लिए, कि सबसे पहले हमारा संज्ञा शब्द आएगा, लास्ट में हमारी क्रिया आएगी, बीच में कर्म आता है। तो ये हमें हमारा पूरा सेंटेंस सही बनाने के लिए, अपना वाक्य सही बनाने के लिए हमें सही शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। उस शब्दों को कैसे व्यवस्थित करना है उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है तो हमारा वाक्य क्या कहलाता है, अशुद्ध वाक्य कहलाता है। उसके जैसे है, उसके बाद में हमारा क्या होता है, शब्द वर्ण विचार शब्द विचार, उसके बाद हमारे वाक्य विचार आता है। वाक्य विचार के अंतर्गत हमने उस वाक्य को सही बनाया है या नहीं बनाया। वाक्य को सही बनाने के लिए हमें उसे सही व्यवस्थित ढंग में लिखना पड़ता है। अगर हम उसको सही व्यवस्थित ढंग में नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा उस वाक्य का अर्थ ही अलग हो जाता है या उस वाक्य का अर्थ ही गलत हो जाता है। तो ये हमारा हमें व्याकरण के वाक्य का ही ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हमें पद ज्ञान होना चाहिए। पद ज्ञान का मतलब होता है कि ये जो हमारे पद हैं उनको हमने सही व्यवस्थित ढंग से लिखा है या नहीं लिखा। अगर आपने पदों को सही नहीं लिखा है, जैसे आपने ये कर दिया मन का, ये अलग अलग हो गए यानी मन का, और आगे अगर आपने मन का एक साथ लिख दिया तो ये गलत हो जाता है। जैसे आपको दे रखा है इसमें खाना, अगर आपने इसको खाना अगर खै को सही नहीं लिखा और आपने ऐसे लिख दिया तो उसका मीन्स क्या हो जाता है, रवाना। तो इन शब्दों का अर्थ ही अलग हो जाता है। अगर हम शुद्ध शब्द नहीं लिखते हैं, उसको वाक्य में सही जगह पे नहीं लगाते हैं, तो हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद जैसे थर्ड पॉइंट दे रखा है, मेरे को बहुत काम है, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? ये वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य, क्योंकि इसको इस तरह नहीं बोला जाता कि मेरे को बहुत काम है, बल्कि इसको कैसे बोला जाता है, मुझे बहुत काम है। अब आप इस वाक्य को इस तरह बोल रहे हो मेरे को, तो ये वाक्य हमारा गलत है। ये हमारा हमने जो शब्द लिया है वो हमारा गलत है। इसकी जगह हमारा क्या शब्द आता है, मुझे, कि मुझे बहुत काम है। उसके बाद है हमारे, जैसे मैंने आपको बताया है कि शब्दों का सही ज्ञान होना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे ये शब्द लिखा है राष्ट्र, इसको लिखना, मैं बोल रही हूँ राष्ट्र, लेकिन इसको अगर मैं गलत लिख रही हूँ तो उसका मीन्स भी गलत हो जाता है। इसलिए हमें शब्दों का सही ज्ञान होना जरूरी है। मनीष है, मनीष में उच्चारण के साथ उच्चारण को देखिए, कि मैंने मनीष बोला ना कि मनीष, अगर मैंने मनीष बोला है तो उस पर कौन सी मात्रा आती है, बढ़ेगी। ये क्या बन गया, चानंद, चानंद नहीं होता है, क्या होता है, चांद। चांद में हमारी नासिकीय ध्वनि और मुंह की ध्वनि दोनों निकलनी चाहिए, तो वो हम क्या कहलाता है, चांद कहलाता है। इसलिए हमें व्याकरण का शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं होता है तो हमारे सारे वाक्य गलत होते हैं, हमारे शब्द भी गलत हो सकते हैं, और जहां हम अपने विचारों की किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो विचार भी गलत हो सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसको समझ भी नहीं पाता है। इसलिए हमें व्याकरण का सही ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें आपके वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, आपको शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको पद का भी ज्ञान होना चाहिए और आपको वाक्य का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको पढ़ के समझिए। धन्यवाद।